हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सृष्टि को ये पता चलता है और वो उसको कहती है शिवम को कि बेटा तुम ये बात किसी को मत बताना, और ये कह के वो उसे छुट्टी में अपने घर ले जाती है। और उसके बाद रश्मि को कॉल कर देती है, जिससे रश्मि उस पर काफ़ी भड़क उठती है। वो कहती है कि क्या है ये, हाँ क्या नाटक है ये तुम्हारा, क्यों लेके गई हो उन्हें। तो कहती है बुआ हूँ, मेरा पूरा हक है बच्चे पे, मैं उसे जब मर्जी जहाँ मर्जी लेके जा सकती हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकती हो हर चीज़ के लिए, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं ले आई हूँ तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है। और ये कह के कहती है चलो ठीक है अब मैं रखती हूँ फ़ोन। ये कह के वो फ़ोन रख देती है। रश्मि अंदर ही अंदर एकदम खिलस जाती है, कहती है पता नहीं क्या चाहिए था इसे। खैर शिवम ने कुछ बताया नहीं, ये अच्छी बात है। वो बच्चों को थोड़ा खाना पीना खिलाती है, उनके साथ थोड़ी देर गेम वगैरह खेलती है। और उसके बाद राहुल ज़िद करने लगता है कि मम्मा के पास जाना है, अब मेरे को लेके चलो, मुझे मम्मा के पास जाना है, अब नहीं रहना है यहाँ, चलो लेके। काफ़ी ज़िद पकड़ लेता है। तो सृष्टि कहती है अच्छा ठीक है चलते हैं। ये कह के वो गाड़ी निकालती है, टाइम देखती है तो देखती है कि अभी जय को आने में काफ़ी टाइम है। तो चुपचाप वहाँ से गाड़ी निकालती है और कहती है कि चलो बेटा। और करीबन आधा पौने घंटे की ड्राइविंग के बाद वो रश्मि के घर पहुंचती है। डोर बेल बजाती है और जो है उससे कहती है कि बच्चों से कि तुम लोग मम्मी से ज़्यादा कुछ कहना मत, और शिवम की तरफ इशारा करती है। तो शिवम कहता है ठीक है। रश्मि आके दरवाज़ा खोलती है और सृष्टि को देखती है, तो उसकी तरफ नज़रें भी नहीं घुमाती हुई और बच्चों का हाथ पकड़ती है और उन्हें कहती है तुम लोग क्यों गए थे बुआ के साथ। तो बच्चे कहते हैं क्यों, वो हमारी बुआ नहीं है, अगर हम चले गए तो क्या हो गया। तो रश्मि फिर चुप हो जाती है। वो कहती है चलो तुम लोग हाथ पैर धो फिर मैं खाना खिला देती हूँ। तो लोग कहते हैं नहीं हमने खा लिया और हमने होमवर्क भी कर लिया है, बुआ ने करा दिया, अब हम लोग अपने रूम में जा रहे हैं, थोड़ी देर हम लोग भैया के हम दोनों गेम खेलेंगे। तो कहती है कुछ नहीं कहती, और राहुल शिवम का हाथ पकड़ता है और उसे अपने रूम में ले आता है। इधर सृष्टि रश्मि की तरफ देखती है, रश्मि उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही होती, उसको अपनी तरफ घुमाती है और कहती है रश्मि अब क्या मुझसे बात भी नहीं करोगी, इतनी बुरी हो गई हूँ मैं। रश्मि कहती है ना आप क्यों बुरी हो गई हो, बुरी तो मैं हूँ, दिमाग तो मेरा ख़राब है ना, आप कैसे बुरी हो गई। तो सृष्टि रश्मि का हाथ पकड़ती है और उसे हक करने की कोशिश करती है, बट रश्मि एकदम से उसे झटक देती है। कहती है सृष्टि प्लीज़ दूर रहो, मैं अपनी गृहस्थी में बहुत अच्छे से रम चुकी हूँ, मुझे इसमें से अब नहीं निकलना, मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रही हूँ और मुझे वो जीने दो, इसमें बार बार दखल अंदाजी करके ना मेरा वक्त ख़राब करो ना अपना वक्त ख़राब करो, बहुत हो चुका है। सृष्टि कहती है रश्मि सब ठीक है ना। तो कहती हाँ सब ठीक है, होगा क्या। रश्मि झूठ क्यों बोल रही हो, झूठ क्यों बोल रही हो, झूठ बोल के क्या मिल जाएगा। रश्मि उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या मतलब। कहती है तुम्हारे ये गर्दन ये चेस्ट के निशान सब बता रहे हैं, तो मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो रश्मि हंसती है, कहती है अच्छा बता रहे हैं तो क्या हो गया। सृष्टि कहती है आई एम सॉरी रश्मि, मुझसे बात करो, क्या किया भैया ने। तुम्हारे भैया कहाँ कुछ करते हैं, वो तो बदल रहे हैं ना सृष्टि, वो बदल रहे हैं, वो मुझे प्यार करने लगे हैं। तो कहती है आई एम सॉरी रश्मि, आई एम रियली सॉरी, तुम्हें अभी ये सब ज़्यादा सहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरा हाथ पकड़ो और अभी के अभी चलो। कहती है तुम्हारा हाथ माय फुट। तो सृष्टि उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है क्या मतलब है। रश्मि कहती है मैं जैसे हूँ जहाँ हूँ ना बेहद खुश हूँ, मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ने की अब ज़रूरत नहीं है। तो क्या तुम ज़िंदगी भरी इस तरह का टॉर्चर झेलोगी? क्यों? उस समय तुम्हें रियलाइज़ नहीं हुआ जब मैं तुमसे चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि प्लीज़ मुझे यहाँ मत छोड़ो, प्लीज़ मुझे यहाँ मत छोड़ो, अगर तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। जय नहीं बदल रहा है, वो कभी नहीं बदलेगा। तब तो तुम्हारी आंखों पे भाई प्रेम की पट्टी पड़ी हुई थी ना, तो अपने भाई प्रेम की पट्टी को अभी भी ऐसे ही बरकरार रखो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इतने महीने से तुमने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की नहीं की ना, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी केयर। उस दिन मेरी एक आँख से एक आंसू गिरा तो तुम दौड़ती यहाँ चली आई। अब जब मैं इतना तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, तब तुम्हें एहसास नहीं हुआ। जो तुम चाहती थी वो मैं कर रही हूँ ना, अब मुझे इसी में करने रहने दो। रश्मि तुम्हें आवाज़ उठा, शराब, मुझे आवाज़ उठानी होती तो बहुत पहले आवाज़ उठा चुकी होती। हम जैसे औरतों की ना आवाज़ें बिस्तर में घुट के रह जाती हैं। एक उम्मीद की किरण नज़र आई थी मुझे तुमने भी मेरा हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, हमारे बीच बचा ही क्या है। और आज तो मुझे सहानुभूति देने चली आई, मुझे तुम्हारी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, मुझे तब तुम्हारी ज़रूरत थी मेरे प्यार की तरह, जो मेरा हाथ तान सके, जो मुझे इस दलदल से निकाल सके। मैं तुम्हारे सामने चीखती रह गई, चिल्लाती रह गई कि वो नहीं बदला है, वो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। सृष्टि आगे बढ़ती है, उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन रश्मि उसे ज़ोर से धक्का दे देती है। कहती है दूर रहो मेरे से, दूर रहो, तुम्हें मुझसे दूर रहना था ना, अपने भाई की गृहस्थी बसानी थी, तुम जाओ यहाँ से, जो भी है जैसा भी है मैं खुद संभाल लूँगी। देखो जय के आने का टाइम हो रहा है और वो तुम्हें यहाँ देखेगा तो मेरे साथ और बुरा हो जाएगा, तुम यहाँ से प्लीज़ जाओ। रश्मि प्लीज़ एक चांस, मुझे कोई चांस नहीं देना, कोई भी चांस नहीं देना है मुझे तुम्हें, एक चांस भी नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई सृष्टि, तुम्हारी वजह से मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही, तुम्हारी वजह से मेरी बुक्स फाड़ दी उस इंसान ने, तुम्हारी वजह से। तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। पता है रश्मि और सृष्टि, ये जो जख्म है ना, इससे ज़्यादा दर्द मुझे पता है क्या देता है, जब मैं ये सोचती हूँ कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया जो मेरे लिए स्टैंड नहीं ले पाया। तुम्हारे साथ मैंने कितने सपने संजो लिए थे, कितना तुम्हें चाहने लगी थी, तुम पे मर रही थी, तुम्हारे लिए मैंने सब किया, तुम्हारे भाई को झेला, तुम्हारे कहने पे अपनी गृहस्थी में 100% दिया, लेकिन उस समय तुमने क्या किया, तुमने सब बेकार कर दिया। अरे मैं तुम्हारे भाई के लिए 100% दे रही थी ना इस रिश्ते में, तो तुम्हें उस समय मेरे साथ होना चाहिए था, मुझसे बात करना चाहिए था, मुझसे मिलने आना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था कि रश्मि तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तुम बस इतना पूछ लेती ना आके, रोज़ नहीं, हफ्ते में एक दिन भी। मैं ये सोच लेती कि तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने तो सारे रिश्ते ही ख़त्म कर दिए। ऐसा नहीं था रश्मि, मैं बच्चों से जाती थी, बच्चों से मिलने जाती थी, बच्चे क्या बताते तुम्हें, बच्चों से प्यार किया तुमने। बच्चे अपनी जगह है, बच्चों को बीच में मत खींचो तुम, बच्चों और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। बच्चों से मिलने जाती थी ना, अब जाओ बच्चों से ही मिल लो, बच्चों से ही सारी जानकारी ले लो, उससे दूर रहो, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना। और देखो रश्मि जय आ रहा है, प्लीज़ यहाँ से जाओ। सृष्टि सॉरी सृष्टि प्लीज़ जाओ यहाँ से। सृष्टि कहती है एक बार रश्मि प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनो। कहती मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये कह के उसे धक्का देने लगती है। सृष्टि कहती है प्लीज़ रश्मि प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, आई नो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन प्लीज़ एक बार मुझे अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। ये कह के वो उसका धक्का देते हुए घर से बाहर कर देती है। और सृष्टि उसकी तरफ देखती है, रश्मि उसे देखती है और कहती है आइंदा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए अपने भाई से मिलने आना है, अपने भतीजों से मिलने आना है, शौक़ से आओ। यहाँ तुम्हारे भाई की वाइफ रहती है, तुम्हारी भाभी, ना कि तुम्हारी प्रेमिका, इस बात को याद रखना। नाउ गुड, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से जा सकती हो, बिल्कुल जा सकती हो। ये कह के वो सृष्टि के मुंह पे दरवाजे को बंद कर देती है। और उसके बाद सृष्टि वहाँ परेशान रहती है, वो दरवाज़ा पीटती रहती है। वो कहती है प्लीज़ यार प्लीज़ ऐसे मत करो, एक बार दरवाज़ा खोल दो, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, माननी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं मानी। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मेरी गलती कितनी बड़ी सज़ा मत दो यार, तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊँगी इस तरीके से। सृष्टि कहती है और जब मैं पल-पल मर रही थी, पल-पल तड़प रही थी, तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई? हाँ, तब तुम्हें एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, मुझे कैसा फील हो रहा होगा। मैं भी तो तुम्हारे लिए तड़प रही थी ना, पल-पल तड़प रही थी, हर पल तड़प रही थी, तब तुम्हें एहसास क्यों नहीं हुआ कि मुझे उनके पास होना चाहिए, उनके साथ बैठ के बातें करनी चाहिए? तब कहाँ चली गई थी? तब ये प्यार, ये जीना मरना, तब कैसे जी रही थी मेरे बिना तुम? प्लीज़ सृष्टि यहाँ से चली जाओ, ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। सृष्टि बहुत देर तक दरवाज़ा पीटती रहती है, लेकिन रश्मि दरवाजे पर ऐसे ही खड़ी खड़ी वो सुनती रहती है, उसके रोने की आवाज़, उसकी तड़प महसूस करती रहती है, लेकिन इस बार वो दरवाज़ा नहीं खोलती। और अपना चीखड़ा करके वहाँ से हट जाती है। सृष्टि काफ़ी देर तक वहीं रहती है, लेकिन जब देखती है कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो वो भी वहाँ से चुपचाप हट जाती है। करती क्या, वहाँ से हटती है, अपने घर आती है, परेशान रहती है, तड़प रही होती है। उसे बस ये लग रहा होता है कि किसी तरीके से एक बार सृष्टि से मेरी बात हो जाए, सॉरी रश्मि से, रश्मि एक बार मेरी बात सुन ले, लेकिन रश्मि ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया होता है। वो घर पहुँच के उसे बार बार कॉल करती है, लेकिन रश्मि उसकी कॉल का कोई रिस्पांस नहीं करती, इवन वो उठा के अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ करके रख देती है। इस बात से सृष्टि और ज़्यादा परेशान होने लगती है। किसी तरीके से वो रात उसकी कटती है, दोनों ही बेचैन होते हैं। और उस रात फिर से जय का वही भयानक रूप रश्मि को झेलना पड़ता है। रश्मि लेटी हुई होती है और मतलब सब कुछ होने के बाद, सारा दर्द, सारी पीड़ा सहने के बाद लेटी हुई होती है, तो जय अचानक से उठता है और कहता है क्या कर रही हो तुम? कहते हैं कुछ नहीं। अच्छा चलो मेरे पैर दबा दो, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। जय पैर में नहीं दबाऊंगी, तुमने फिर मुझसे जुबान लड़ाई। हाँ तो रश्मि में न जाने कहाँ से हिम्मत आ गई थी, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, अभी तुम्हें देखा नहीं है ना जो तुम्हारे साथ हुआ है, महसूस नहीं कर पाई हो, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए क्या तुम्हें? रश्मि कहती क्या करेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा मारेंगे, पीटेंगे, रेप करेंगे मेरा, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे, इससे ज़्यादा की उम्मीद मैं आपसे कर भी नहीं सकती, अब इससे ज़्यादा तो यही हो सकता है जय कि आप मुझे जान से ही मार दो बस, और इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। जान से मार दोगे ना किस्सा ही ख़त्म, टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी मेरी, मुझसे ज़्यादा सुखी कोई होगा ही नहीं उस टाइम पे जिस टाइम आप मुझे जान से मारेंगे। तो जय आज के बाद आपको मेरे साथ जो करना है आप शौक से कीजिए, ठीक है। आप ज़बरदस्ती के अलावा, मुझे मारने पीटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या ही कहूँ मैं आपको, लेकिन मैं ना आपके लिए कुछ करूँगी और ना आपका ध्यान रखूँगी। आपको जो करना है कीजिए, क्या करेंगे, आपके बस यहीं तक की लिमिट है, इससे आगे आप बढ़ नहीं सकते हैं। इससे आगे अगर बढ़ोगे ना तो सिर्फ मुझे जान से मारोगे। मर तो मैं वैसे ही चुकी हूँ, मेरे अंदर वैसे भी कुछ नहीं है, बस अपने बच्चों के लिए मैं जी रही हूँ, और अगर जान से मारना है तो मार दो, किस्सा ही ख़त्म। फिर लोगों को देते रहना आप जवाब कि रश्मि को अचानक क्या हो गया, ना तो उसे कोई बीमारी थी ना कुछ हुआ था, तो अचानक उसे क्या हो गया, ठीक है। लेकिन लिसन टू मी केयरफुली, तो जय एकदम वो ऐसे इंग्लिश बोलती है, तो जय एकदम उसे देखने लगता है, तो कहती है ऐसे मत देखिए, समझ में आया, ये मेरे पढ़ने का ही नतीजा है। आप लगाइए बैन, जितने बैन आप लगा सकते हैं लगाइए, एग्ज़ाम तो मैं दे के रहूँगी। एग्ज़ाम दोगे तुम, एग्ज़ाम की डेट तुम्हारी निकल चुकी है, एग्ज़ाम दोगे तुम। कहती है बहुत झेल लिया मैंने आपको, मेरी एग्ज़ाम की डेट निकली है नहीं निकली, मैं क्या करूँगी कैसे करूँगी वो मैं खुद देख लूँगी, लेकिन आप जो कर रहे हो ना वो सही नहीं है। और अब मैं आपकी ये फालतू की चीज़ें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल पता है, आप मुझे रोज़ दर्द दे सकते हैं, मेरे जिस्म के साथ खेल सकते हैं, उसे नोच सकते हैं, मेरी आत्मा को घायल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा और क्या करेंगे। मेरे हौसले को अब नहीं तोड़ पाएंगे आप। आपने पता है मेरे साथ ये सब कर कर के मुझे पत्थर बना दिया है, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज के बाद मैं आपका एक काम नहीं करूँगी, समझ गए आप। जो करना है, जो आपसे बन पड़े, जो आप मेरा बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लेना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रश्मि तुम्हारी जुबान बहुत ज़्यादा चल रही है, जुबान ही नहीं चल रही मेरी, अब आप मेरा कहा हुआ करते हुए देखेंगे मुझे। जय उस समय कुछ नहीं कहता, वो रश्मि को फिर से वही टॉर्चर करने लगता है। रश्मि इस बार सिर्फ मुस्कुराती रहती है, उसका मुस्कुराना देख के जय और ज़्यादा इरिटेट होता है और ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन रश्मि के चेहरे से मुस्कान गायब नहीं होती। रश्मि शायद अब अंदर से टूट चुकी थी, जो उसे चाहिए था वो उसे मिला नहीं, किसी तरह से ज़िंदगी में रमी थी तभी उसे सृष्टि से प्यार हो गया, और सृष्टि के इस बिहेवियर ने शायद उसे तोड़ा नहीं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब रश्मि आगे और क्या क्या करने वाली है, क्या उसकी ये हिम्मत कब तक बरकरार रहेगी और कितने दिनों तक बरकरार रहेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। अब ये हिम्मत तो उसने दिखाई है, ये हिम्मत ज़्यादा दिनों तक टिकेगी या नहीं टिकेगी ये तो आने वाले पार्ट में सुनेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चाहे इतनी आसानी से हार मानेगा। और रश्मि कुछ भी कहो है तो लड़की, और हम लड़कियों को बहुत कुछ सिखाया जाता है, मानना नहीं चाहिए लेकिन हम फिर भी मानते हैं। क्योंकि बचपन से उसी तरह से हमें ढाला जाता है, क्या सही है क्या गलत है इसी का पाठ पढ़ाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, लड़कों को फिज़िकली स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा दी गई है। तो एक लड़की कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक लड़के के सामने हार ही जाती है, खासकर रश्मि जैसी लड़कियां। मैं हर लड़की की बात तो नहीं करूंगी क्योंकि ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो लड़कों को धूल चटा देती हैं, लेकिन रश्मि जैसी लड़कियां अपना घर परिवार अपनी इज्जत बचाने के लिए और फिज़िकली स्ट्रेंथ में कम होने की वजह से बहुत कुछ झेलती रहती हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।